आपको बता दें कि शनिवार को वो जयपुर आ रहे हैं। वहीं इस दौरान कांग्रेस के लिए खासा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, इसी के लेकर चुनावी शंखनाद हो चुका है और दौरे को लेकर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट से जन टीवी ने खास बातचीत। राहुल गांधी प्रदेश दौरे पे हैं, एक दिवसीय दौरे पे कांग्रेस के लिए काफी महत्वपूर्ण कहा जा सकता है और ना केवल कांग्रेस, राजस्थान की सियासत के लिए भी महत्वपूर्ण दौरा कहा जाएगा ये। सचिन पायलट साहब राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हमारे साथ हैं। सचिन जी, राहुल का दौरा है, इसे राजस्थान में कांग्रेस की तरफ से चुनावी शंखनाद माने? बिल्कुल, हम लोग कई महीनों से चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं लेकिन राहुल गांधी जी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार प्रदेश में आएंगे और चुनाव 2-3 महीने के बाद है, तो स्वाभाविक रूप से एक चुनावी शुरुआत भी है और पूरे प्रदेश भर के हमारे कांग्रेस पार्टी के डेलीगेट्स हैं वो रामलीला मैदान में एकत्रित होंगे, उनको संबोधित करेंगे, उनको आगे के लिए दिशा निर्देश दिए जाएंगे और वसुंधरा जी के जो कुशासन को हटाने का लोग मन बना चुके हैं उसको कैसे उसका क्रियान्वयन होगा पार्टी के माध्यम से, इस पर राहुल जी प्रकाश डालेंगे और उनके आने से पार्टी में नौजवानों में कार्यकर्ताओं बहुत उत्साह है। कल वो दिल्ली से हवाई अड्डे जयपुर में आएंगे, फिर कई जगह उनका स्वागत है शहर में और फिर दोपहर के बाद रामलीला मैदान में एक सभा होगी। जी, मंदिर को लेकर के भी चर्चा आई थी कि मंदिर में दर्शन करेंगे, क्या कुछ रहा इसमें? मैंने आज मुख्यमंत्री जी का बयान पढ़ा और मैं हर बार इस बात को पूछता हूँ कि राहुल गांधी जी किसी गुरुद्वारा में मंदिर में किसी से जाएं मिलें तो बीजेपी को बहुत पेट में दर्द होता है और जो चर्चा है सारी आके फिर राहुल जी के ऊपर केंद्रित हो जाती है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमने उनको मंदिर जाना सिखा दिया। मैं विनम्रता से कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी जिस घर में बड़े पले हुए उनको मंदिर जाना शायद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने और इंदिरा गांधी ने सिखाया होगा लेकिन वसुंधरा जी को सत्ता में आके मंदिर तोड़ना किसने सिखाया है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ क्योंकि वो मुख्यमंत्री बनी और जब संकट आता है तो जाके शरण में बैठ जाती हैं मंदिरों में लेकिन जब सत्ता आती है तो जयपुर शहर में तमाम मंदिरों को ध्वस्त कर दिया, गौशाला में गायों को मरने दिया, तो ये दुगलापन कब तक चलेगा? आपको लगता है दोहरी पॉलिटिक्स करते हैं? अब आप देख लीजिए, आपके सामने पिछले 4.5 साल में जयपुर शहर में चुन चुन कर मंदिर को तोड़ा गया, आरएसएस जयपुर बंद का ऐलान करती है, वसुंधरा जी मुख्यमंत्री हैं वो उनके नाक के नीचे जयपुर में लोग मंदिर लगातार 300-400 मंदिर तोड़ते हैं, फिर अंगोनिया में गौशालाओं में गायें तड़प तड़प के मर जाती हैं, तो ये और फिर कहना कि हम एक राष्ट्रवादी और हिंदूवादी पार्टी हैं और हम तो ये सब ढोंग सब समझ गए। आज चर्चा होनी चाहिए शिक्षा की, रोजगार की, निवेश की, किसान की, नौजवान की, महंगाई की, भ्रष्टाचार की, उसकी चर्चा होती नहीं है और इन बातों में ध्यान लोगों का भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल जी का रोड शो रखा आपने, उनका राजस्थान में पहला दौरा है प्रदेश सॉरी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद, सभा की जा सकती थी बड़ी है? नहीं देखिए, सभा हम लोग करेंगे और ऐसी ऐतिहासिक सभाएं करेंगे, प्रदेश भी देखेगा लेकिन हम चाहते थे कि क्योंकि आज लोकसभा का आखिरी दिन है और जैसे ही सत्र चालू खत्म होगा हम चाहते थे इमीडिएटली राहुल जी आएं और पहला कांग्रेस जनों को जो कांग्रेस के सब पदाधिकारी और डेलीगेट्स हैं उनको संबोधित करें, पूरे प्रदेश में हम लोग फैलेंगे और जयपुर में राहुल जी का कई जगह स्वागत हमने रखा है क्योंकि ये प्रदेश की राजधानी है, यहाँ से संकेत जाता है, मैसेज जाता है और बीजेपी बहुत कहती है कि जयपुर शहर में वो बहुत मजबूत है। कल पता पड़ेगा जब ऐतिहासिक स्वागत उनका होगा और एक मैसेज जाएगा पूरे राजस्थान के अंदर, इसलिए राजधानी का